सीएम साहब या जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहा है, तो जम्मू कश्मीर का पूरा आवाम उनको वेलकम कर रहे हैं। तो आ रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी आए, और आज इलेक्शन का दौर भी चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। इस वक्त इलेक्शन का सिलसिला जो जारी है यूटी के तहत, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन जो हो रहा है इस वक्त पीसफुल तरीके से हो रहा है। हर कैंडिडेट इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहा है आवाम के साथ, तो अपना अपना वोट के राय के लिए लोग जा रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं लोगों के पास जा रहे हैं अपील लेके कि वोट दे दे। लेकिन हम यही उम्मीद रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी पर भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के जो हमारा यूथ है जो इसके रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि उनके लिए रोजगार मैसर होगा। और ये जो हमारी यहाँ पे बिजली बिल था उसमें भी तरमीम होगा, कमी कर देंगे। और जो हमारे किसान भाइयों ने किसान लोन लिया है जो आज अफोर्ड नहीं कर सकते उसका किस्त वगैरह, तो उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि उस बारे में भी वो कुछ ना कुछ आवाम किसान भाइयों को देकर ही जाएंगे। और जो बाकी मसले मसाइल है, उम्मीद है कि मोदी जी आज कश्मीर वादी के दौरे, जम्मू कश्मीर के वादी के दौरे पे आए हैं, कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे यूथ के लिए और पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक यही उम्मीद रखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होता है पूरे मुल्क का बादशाह होता है, पूरे अवाम का बादशाह होता है, हर घर का जिम्मेदार होता है। जिम्मेदारी के साथ मोदी जी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करेंगे। देखिए लोग जाएंगे, लोग जाते हैं, लोग जाते रहे, बिल्कुल जितने बार यहाँ पे मोदी जी कश्मीर पावर हुए कश्मीर के अंदर, तो लोग गए बक्सी स्टेडियम 15 अगस्त के दिन मोदी जी आए यहाँ झंडा तिरंगा लहराने के लिए, उस वक्त भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और कुछ लोग पैदल चल रहे थे वो पहुँच नहीं पाए, लेकिन टाइम कम था, लोग आए, कुपाड़ा से आए, गांधरबल से आए, उड़ी से आए, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, क्योंकि हम कश्मीरी कदर जानते हैं कि कश्मीरी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होता है पूरे मुल्क का होता है, हमारा भी है, हमारे परिवार का भी है। यही हम एक अपील करते हैं अपने मोदी जी से कि जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए ही होंगे।